Today, we are also joined by Mr. C.K. Mishra, Director ICMR and Director AIMS. आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए, और उसमें से एक ग्रुप, ग्रुप नंबर 4-2, जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीके मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज. फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके संबंध में मेरे कॉलीग्स लव अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं, और आप उसका विश्लेषण करते हैं. आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है, और दो, हमारी तैयारी क्या है. इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे. एज यू अवेयर, वी आर पासिंग थ्रू वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स. मेनी ऑफ द कंट्रीज which are known as developed countries in this world, with far more capacities and much better resources than us, are also facing huge challenge. तो ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा. और आज एक महत्वपूर्ण दिन है. आज लॉकडाउन के एक महीने पूरे हुए हैं. तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं, और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30 डे लॉकडाउन डन. मुझे ये पूरा एहसास है कि दिस हैज ब्रॉट हार्डशिप टू मेनी पीपल, बट वी मस्ट एक्सप्रेस अ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया who are facing this hardship today so that we can save lives in future. और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें. तीन प्रमुख चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं. पहला, we've been able to cut transmission, minimize spread and increase the doubling days, as Lav Agarwal has always been speaking to you. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. हजारों लोग, ना सिर्फ हम जो दिल्ली में बैठे हुए हैं फील्ड में, हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं. और लोगों ने मिलकर और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 डेज वी रिमेन्ड मोर और लेस स्टेबल. एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग बिफोर यू. And what one of the critical tools, एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग. और when I say testing, it is RT-PCR testing जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है. अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा. 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे. ऑन द 22nd ऑफ अप्रैल वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट. इफ यू डू अ रफ कैलकुलेशन, इट इज अबाउट 33 टाइम्स इन 30 डेज. बट वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट इनफ, एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली go move ahead and ramp testing in this country. We will
कंटिन्यू टू डू दैट. हमने ये भी देखा है और श्री अग्रवाल ने भी बताया कि इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब हम अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं. तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूं सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज कीपिंग दिस एट द बैक ऑफ आवर माइंड दैट दिस मे नॉट बी एनफ एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क टू डू मोर एंड मोर ऑन दिस. लेट अस लुक एट दिस. This shows the figures of these 30 days and how the number of daily tests have gone up and how the new positives have gone up. So this is what where we stand today. केंद्र गृह स्वास्थ्य विभाग तरफ सामाजिक सम्मेलन करा जाउछि कोरोना स्थिति समीक्षा करा जाउछि.